मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं। उस काम में लगा हूं। उस काम में लगा अब वहां कुछ और भी समस्याएं हैं, जैसे मैंने आपसे कहा ना स्किन बहुत हार्ड है, तो स्किन हार्ड है तो बिना साबुन के नहाना संभव ही नहीं है उनको, क्योंकि कास्टिक सोडा जो है ना हार्ड स्किन के लिए ही है। केमिस्ट्री में ये जो कास्टिक सोडा बनता है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये उन्हीं त्वचा के लिए एप्लीकेबल है, उन्हीं पर ये लगाया जा सकता है जो बहुत कड़क त्वचा हो। और हमारे भारत में इतनी सॉफ्ट है स्किन क्योंकि सूर्य का प्रकाश हमको है, हम रगड़ रगड़ के कास्टिक सोडा के साबुन से नहा रहे हैं, फिर त्वचा सूखी हो रही है तो फिर दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, अरे डॉक्टर साहब क्या हुआ, स्किन रफ हो रही है, एक्जिमा हो गया, सोराइसिस हो गई, इचियोसिस हो गई, खाज हो गई, खुजली हो गई, वो तो होने ही वाला है, क्योंकि सॉफ्ट स्किन के लिए साबुन बना नहीं है, साबुन बना है हार्ड स्किन के लिए। हमारे यहां तो वही चीजें हैं अच्छी नहाने के लिए जो सॉफ्ट स्किन पे एप्लीकेबल हो, जैसे दूध का स्नान, इसलिए हमारे यहां कहावत है दूधो नहाओ पूतो फलो, कभी सुना है किसी से लक्स नहाओ पूतो फलो, कोई कहता पियर्स से नहाओ पूतो फलो, लाइफ बॉय लगाओ पूतो फलो, दूधो नहाओ पूतो फलो, क्योंकि दूध जो है ना वो सॉफ्ट स्किन की सॉफ्टनेस को बरकरार रखता है। आपकी त्वचा जितनी नरम है उतनी ही नरम वो रखेगा, थोड़ा ज्यादा ही कर देगा, कम नहीं होने देगा, इसलिए शंकर भगवान दूध से नहाते हैं, महाशिवरात्रि को सब उन्हें दूध ही लगाते हैं, किसी को नहीं देखा कि वो साबुन से शंकर जी को नहलाता हो। अब कैसे मूर्ख लोग हैं, हम शंकर जी को तो दूध से नहलाएंगे और खुद साबुन से रगड़ रगड़ के नहाएंगे, और पागलों के पागल कहते हैं जी हम दूध के साबुन से नहाते हैं। अभी दूध से क्यों नहीं नहा लेते अगर दूध के साबुन से नहा रहे हो तो? कहते हैं जी हम तो हल्दी वाली क्रीम लगाते हैं, हल्दी क्यों नहीं लगा लेते? वो हल्दी वाली क्रीम आती है 1500 रुपए किलो और हल्दी आती है 40 रुपए किलो, तो कहो कि हल्दी लगा लो, क्या बात कर रहे हैं 40 रुपए किलो की चीज, हम तो 1600 रुपए किलो की लगाएंगे। उनसे कहो जी दूध से नहा लो 15 रुपए लीटर का है, नहीं नहीं हम तो साबुन लाएंगे दूध का 350 रुपए किलो वाला। हमारा जो दिमाग है ना घूम गया है, और ये घूमने का कारण है बिना सोचे समझे नकल करना, और ये नकल करवाने में सबसे बड़ा भूमिका हिंदुस्तान में किसी ने निभाई तो सिनेमा ने और टीवी सीरियल्स, सत्यानाश कर दिया इस देश का। टीवी सीरियल में जो भी जानकारी यूरोप की देते हैं आधी अधूरी, पूरी जानकारी कभी नहीं देते क्योंकि पूरी जानकारी समझने के लिए उनके पास भी फुर्सत नहीं, और सिनेमा बनाने वाले यूरोप में जाके थोड़ी बहुत शूटिंग वूटिंग कर लाते हैं तो उसी को देख देख के हमारा मन ललचाता रहता, भाई ऐसा कर लो ऐसा कर लो ऐसा कर लो। बहुत सारी हीरो हीरोइनों से प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई आप कॉस्मेटिक्स क्या क्या इस्तेमाल करती है, वो तो कॉस्मेटिक्स इसलिए इस्तेमाल करती हैं कि दिन में 6-6 घंटे भयंकर फ्लड लाइट्स में उनको रहना पड़ता है, अगर वो कॉस्मेटिक्स ना लगाएं तो उनकी तो त्वचा जल जाए। फिर उन्हीं के मूर्खतापूर्ण टिप्स ले लेके हम अपने जीवन में प्रयोग करना शुरू कर देते हैं जबकि हमें कोई फ्लड लाइट्स में रहना नहीं पड़ता। भाई हेमा मालिनी ऐसा करती है तो हम भी कर रहे हैं, ऐश्वर्या रॉय ये लगाती है तो हम भी लगा रहे हैं, ऐश्वर्या रॉय हेमा मालिनी 6-8 घंटे भयंकर लाइट में रहती है त्वचा को बचाने के लिए ये सब करती है, हम तो नहीं रहते फिर हम क्यों करें।